वैश, as in वैशाली, Gen Z, YOLO types, लोगों को मुझसे बहुत प्रॉब्लम है. कहते हैं मुझे छींक भी आती है तो भी मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ. सो वॉट, हूँ मैं इंस्टाग्रामर? हर फोटो को डालने से कितनी मेहनत करनी पड़ती है. पहले चेहरा चमकाओ, स्कार्स हटाओ, फिल्टर लगाओ, फिर अपलोड करो. यू नो व्हाई? क्योंकि मेरी रील वाली स्किन और मेरी रियल वाली स्किन में उतना ही डिफरेंस है जितना कि मेरे रिच बॉयफ्रेंड राहुल के पापा की वेल्थ और उसकी IQ में. हेलो एवरीबॉडी, रॉकी रंधावा दिस साइड. बहुत मेहनत करके बॉडी बनाई है और जहां भी लो नेक टी शर्ट पहन के जाता हूँ सारी रानियां फुल चेकआउट मारती हैं, बिकॉज दिस इज ऑल नेचुरल, नो स्टेरॉइड. लेकिन इस बॉडी को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए जो हर थोड़े दिन में चेस्ट वैक्सिंग का पेन झेलना पड़ता है, तब पता चलता है मर्द को भी दर्द होता है और बहुत दर्द होता है. कोई प्लीज मुझे ये 15 दिन की वैक्सिंग के झंझट से बचाओ यार. वाओ, और आने वाला है. हेलो जी, आई एम परमिंदर पावर फ्रॉम रजौरी. जिंदगी ने मेरे साथ बड़ा मजाक किया. देखते ही देखते गालों पे झाइया, माथे पे झुर्रियां, बाल सारे झड़ गए, स्किन टोन सारी डाल हो गई और मैं प्री चिक पैम से बन गई हूँ परमिंदर आंटी. कितनी अपनी पुरानी यूथफुल स्किन को पाने के लिए उम्मीद और पैसे दोनों डुबा चुकी हूँ और थक चुकी हूँ. शख्स, वैश, रॉकी और परमिंदर की कहानी ऐसे करोड़ों लोगों पे बेस्ड है जो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं क्योंकि उन्हें कोई स्किन या बॉडी इश्यूज हैं. मैं खुद उनमें से एक हूँ. IIM बैंगलोर में पढ़ते हुए और एक नेशनल लेवल पिस्टल शूटर होते हुए भी मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस थे क्योंकि मेरे स्किन पे एक्ने थे. फिर मुझे किसी ने लेजर ट्रीटमेंट सजेस्ट किए जिससे मेरी लाइफ चेंज हो गई. मेरे सारे एक्ने चले गए लेकिन मेरे बहुत सारे पैसे भी ले गए क्योंकि स्किन क्लिनिक्स में ये ट्रीटमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. ना प्राइसेस स्टैंडर्डाइज्ड है ना ही प्रोसेस, और बार बार लोगों को क्लिनिक में सेशंस लेने जाना पड़ता है. शार्क्स, आजकल सबको सब कुछ घर पे चाहिए तो ये लेजर स्किन ट्रीटमेंट्स क्यों नहीं. इसलिए मैंने शुरू किया अवतार स्किन केयर. मेरा नाम सौम्या मिश्रा है और मैं भोपाल से हूँ. अवतार स्किन केयर दुनिया का एक लौता ऐसा ऐप है जिसमें हम वर्ल्ड क्लास लेजर ट्रीटमेंट्स आपके घर पे प्रोवाइड करते हैं. हम बहुत सारी स्किन कंडीशंस जैसे एक्ने, पिगमेंटेशन, एंटी एजिंग, अनवांटेड हेयर, हेयर फॉल, वेट रिडक्शन के लिए ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं. हमारे सारे इक्विपमेंट USFDA अप्रूव्ड हैं और 100% सेफ हैं. सारे ट्रीटमेंट्स डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा डिजाइन किए गए हैं एंड हमारे वेल ट्रेन्ड टेक्नीशियंस आपके घर पे आके इनको प्रोवाइड करते हैं. हमारी स्पेशली डिजाइंड कॉकटेल टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी क्लिनिक से फास्टर रिजल्ट्स मिले हमारे क्लाइंट को, और हमारे प्राइसेस 20-30% लोअर हैं. हमने दिल्ली और बॉम्बे में अभी तक 7,000 कस्टमर्स को सर्विस दे चुके हैं. शार्क्स, हमारी आस्क है ₹70 लाख फॉर 1% इक्विटी. आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फंडिंग दे और टारगेट पे निशाना मैं लगाई दूं. अमेजिंग एनर्जी, थैंक यू. ऐसे ही होते हो आप हमेशा या आज? नहीं नहीं, I can act very professional also in business meetings. क्योंकि आप थिएटर करते थे? मैं थोड़ा बहुत स्टैंड अप करती थी कॉलेज में, ऐसी कॉमेडी करती थी. थोड़ा अपने बारे में बताओ बिफोर वी गेट टू अवतार. एंड पिस्टल शूटिंग, नेशनल पिस्टल शूटिंग एक्चुअली. हां, भोपाल में बड़ी पली बड़ी हुई हूं मैं. आई वेंट टू NIT भोपाल, वहां से इंजीनियरिंग किया. साथ ही साथ मेरे दादाजी पुलिस में थे तो घर में बंदूक पड़ी थी, उससे शौक आ गया. फिर भोपाल में बहुत बड़ी एकेडमी खुल गई तो वहां पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया. 2 साल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में ही काम किया एंड देन पूरी दुनिया कैट लिख रही थी तो मैंने भी लिख दी. आई लैंडेड इन IIM बैंगलोर. देन आई गॉट अ वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी विद हाइड्रिक एंड स्ट्रगल्स, विच इज एन एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म. उन लोग इंडिया में अपना कंसल्टिंग बिजनेस सेटअप करना चाहते थे, सो आई वॉज हायर टू लीड दैट. तो वो 1.5 साल काम किया उधर, $1.5 million का बिजनेस बन गया वो. तब बहुत कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन ऑल्सो डू समथिंग ऑफ माई ओन. देन आई गॉट इन टू अवतार. सो मेरे एक डिस्टेंट कजिन ये लेजर के ट्रेडर हैं, तो सस्ते सस्ते डिवाइसेज अनसर्टिफाइड इंपोर्ट करते हैं, डॉक्टर्स को बेचते हैं. सो हिज बिजनेस देन वॉज ग्रोइंग एट 20-25%. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट वॉज ऑल ऑफ दिस ग्रोथ वॉज कमिंग फ्रॉम सिटीज लाइक झांसी, ग्वालियर, काकीनाड़ा, सिलीगुड़ी. सो तब सबसे पहले लाइट जली थी कि देयर इज अ मार्केट व्हिच इज ऑलरेडी डेवलपिंग एंड व्होएवर इज ट्रेन्ड ऑन द डिवाइस कैन ऑपरेट इट. एस्थेटिशियन जिसको बोलते हैं. करेक्ट. सो ऑल द एलिमेंट्स इन दिस इंडस्ट्री वर सीमिंग टू बी जस्ट राइट. दैट्स नंबर 1. एंड सेकंड इज
आई कुड सी हाउ मच पीपल वर स्पेंडिंग. सो मैंने एक और चीज की, इन लेट 2021 आई टुक अप अ जॉब एज एन अकाउंटेंट एट अ क्लिनिक. आई जस्ट वांटेड टू गेट अ सेंस ऑफ ये होते कौन है क्लाइंट. मैंने देखा है कि करोल बाग की इतनी सारी आंटियां जो शायद एक सेंटेंस भी शायद इंग्लिश में ढंग से नहीं बोल पाएंगी, वो बोटॉक्स कराने आती थी, फिर उनका एक रिंकल छूट गया तो वापस आ जाती थी दूसरे दिन की, इसको क्यों नहीं गौर किया. पर आप अपने क्लाइंट का मतलब ऐसा थोड़ा ऐसा लग रहा है आप उनका मजाक उड़ा रही हो, उनको जज कर रही हो. नहीं, क्लाइंट का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ मैं. मतलब करोल बाग वाली है, उनको एक बोटॉक्स, वो तो आपके कस्टमर है, तो यू हैव टू बी. नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, क्योंकि आप ये अज्यूम करते हो कि अगर के ओनली सर्टेन सेक्शन जाएगा, एक सेक्शन जो बड़ा यूएस के यू नो कल्चर से अवेयर है, उन्हीं को अवेयरनेस होगी, बट ऐसा नहीं है. ये अवतार नाम क्यों रखा? एक तो ये हम ऐसा वर्ड ढूंढ रहे थे जो सबसे रिलेट करे, तो मैं भोपाल में बोलती हूँ कि मैं अवतार स्किन केयर हूँ, उनको भी समझ में आता है. मैं मार्कस, जो मेरे हाइड्रिक के बॉस हैं, तो मार्कस आई हैव अ स्टार्टअप कॉल्ड अवतार स्किन केयर, सो सबको चमकता है. दूसरा है, आई थिंक वो हमारे एसेंस को बहुत अच्छे से दिखाता है. दैट्स व्हाट वी डू, वी गिव पीपल द अवतार दैट दे वॉन्ट और दैट दे डिजायर. ये बेसिकली जो ट्रीटमेंट होती है, सेम चीज जैसे अर्बन क्लब सैलून एट होम है, यू गाइस आर स्किन केयर एट होम, दैट्स इट. सर हमको कंपेयर मत करिए सर, यू नो द कंपनी हूज नेम यू टुक, द वैल्यू प्रोपोजिशन इज convenience. Our value proposition is best results. By the way, हम affordable भी हैं और घर पे भी आ जाते हैं. चलो दूसरी कंपनी का नाम ले देता हूँ, काया एट होम. नो, क्योंकि काया और हमारे रिजल्ट्स में बहुत डिफरेंस है, स्टैंडर्डाइजेशन में बहुत डिफरेंस है. One second. ये सब बेस्ट आप एक्सप्लेन कर पाएंगी अगर आप आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं. आई थिंक अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट तो समझ में आएगा, बट बिजनेस मॉडल स्पेसिफिकली क्या है. सो सर्विसेज हमारे चार मेन कैटेगरीज हैं, बताइए. एक है लेजर फेशियल, एक्ने, पिगमेंटेशन, टैनिंग, अनइवन स्किन टोन, ग्लो चाहिए. प्राइस 3000 से 5000 तक जाता है. सेकंड है परमानेंट हेयर रिडक्शन, हम 35000 में 6 सेशंस देते हैं. थर्ड है वेट रिडक्शन, जो हम अल्ट्रासोनिक कैविटेशन टेक्नोलॉजी से करते हैं. मशीन के थ्रू. सो इंस्टेंट वेट रिडक्शन. यस, ये वो VLCC वाला वैसा. मैं हम किसी को कंपेयर नहीं करते, बट हां कह सकते हैं कुछ वेट रिडक्शन में तो वही का उन्हीं का मार्केट था. सौम्या यहां आए हो तो तुलना तो करनी पड़ेगी. नहीं आप ये मत बोलिए VLCC जैसा. ठीक है, VLCC से बहुत बेटर. तो एक मिनट, वेट रिडक्शन का कितने सेशन का क्या प्राइसिंग है? 3800 का सिंगल सेशन जाता है एब्डोमिन का. अगर पूरी बॉडी के आपको 4-5 पार्ट्स कराने, एब्डोमिन, बट्स, थाइस, तो वो 10000 का एक सेशन जाता है. अंडरस्टूड. और चौथा सर्विस है बचे हुए, मतलब स्किन रेजुविनेशन बोलते हैं, डार्क अंडरआर्म्स हो गया, स्किन रिपेयर. ओके, हाउ मच इज दैट? 3000 से 9-10000 तक जाता है सिंगल सेशन. और ये जो प्राइसेस आपने बताया है, ये कैसे अभी फिर तुलना करनी पड़ेगी? अब करते हैं. एवरेज टिकट साइज इन सबसे 25-30% ज्यादा है. आप काया में जाएंगे कि हेयर रिडक्शन कराएंगे, तो 70000 में बोलेगी. अर्बन कंपनी केवल परमानेंट हेयर रिडक्शन करता है, उससे भी कम है हमारा प्राइस. वो भी मशीन लाते हैं घर पे. वो मशीन लाते हैं, ऐसी मशीन नहीं लाते. लेकिन आप एकदम डिफेंसिव क्यों जाते हैं जैसे किसी और ब्रांड का नाम आता है? यू कैन जस्ट एक्सेप्ट इट, राइट? और आप हर बार डिफेंसिव होंगे तो सवाल का जवाब नहीं हो पाएंगे. फेयर. एक प्रश्न था बिजनेस मॉडल के बारे में, एग्जैक्टली आपका ऑपरेशन कैसे चलता है? आज की डेट में हमारे पास गुड़गांव में, दिल्ली में और नोएडा में एक स्पेस है, छोटी स्पेस है, ये डार्क स्टोर कह लीजिए आप. okay. जहाँ पे मशीन्स रखी रहती हैं. थेरेपिस्ट हमारे रोल्स पे रहते हैं, जो भी उनका रोस्टर है उस हिसाब से उनको रिपोर्ट करना है. वही डार्क स्टोर पे? करेक्ट. अच्छा जी, ओके. हमारे पास 50 थेरेपिस्ट हैं, और जैसे जैसे अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो लोग अपना सामान उठाते हैं. वो फिर उनके पास उबर फॉर बिजनेस है, वो अपनी गाड़ी बुक करेंगे, तो वो ये सामान लेके उनके घर पे जाते हैं. हाँ, वहाँ जाके वो ट्रीटमेंट करती है. दे कम बैक टू द डार्क स्टोर. यस. God. ये जो आपके थेरेपिस्ट हैं, what is the profile of your therapist? So freshers होते हैं, they could be graduates or they could be pursuing graduation. ज्यादातर लोगों ने वो भी किया होता है, salon beauticians का course. तो आप भी उनको train करते हैं? हाँ जी. सौम्या, आप अपना app का कोई demo है तो वो दिखा दो. Sure. ये हमारा ऐप है जिसमें आप ट्रीटमेंट्स चूज कर सकते हैं. अगर आपको डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन बुक करना है तो वो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं. अब जैसे मैं कोई भी ट्रीटमेंट में जाऊँ, सपोज हेयर रिडक्शन में जाऊँ मैं, आप डिटेल में देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके साथ होगा क्या उस सर्विस में. उसके बाद सो दे बुक इट, एंड देन व्हेन वंस द सर्विस इज डन दे कैन पे. बट इसमें कहीं ये पता नहीं लग रहा कि यू आर बेटर देन द अदर्स. दैट्स अ गुड फीडबैक. हम कॉल आउट करवाते हैं उसको. और बिफोर आफ्टर का डेटा डालना चाहिए कि इतना 20% लाइन रिडक्शन एक सेशन में मिला, 30% स्कार्स कम हो गए. फेयर पॉइंट. तो उसके बिना तो ट्रस्ट कैसे आएगा?
क्या दो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका रिजल्ट्स काया एंड अर्बन कंपनी से बेटर है? पहला रीजन है इक्विपमेंट. सारे इक्विपमेंट USFDA अप्रूव्ड हैं, सो दैट इज नंबर वन. सेकेंड है द प्रोटोकॉल, मतलब आप कर क्या रहे हो एक सेशन में. सो वी डू समथिंग कॉल्ड कॉकटेल टेक्नोलॉजी. हम लोग हर सर्विस में एटलीस्ट 5-6 स्टेप्स करते हैं जिससे बहुत ज्यादा बेटर और फास्टर रिजल्ट आता है. थर्ड पॉइंट है जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, करने वाला एट द एंड ऑफ द डे इंसान है, और ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है. तो हम एक एक चीज ट्रैक करते हैं. अगर टेक्नीशियन गई तो पहले तो हम उसका बाकी सब चेक करेंगे कि तूने मेकअप एयर हॉस्टेस जैसी तुम दिख रही हो कि नहीं. उसकी फोटो डालो, उसके मिलेंगे उनको 10 रुपए. अगर वो टाइम से पहुंचे तो उसके लिए उनको मिलेंगे 50 रुपए. रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर 7 मिनट करना था, वो काउंटर की 7 मिनट की लाइव फोटो डालेंगे तो मिलेंगे 10 रुपए. तो ये 10 रुपए 20 रुपए 10 रुपए 20 रुपए करके एक थेरेपिस्ट एक उस पे 300-350 रुपए बनाती है ओवर एंड अबव हर फिक्स्ड सैलरी. बट लाइफ में ना, बिजनेस में, आई जस्ट वांट टू से इंसेंटिव डजंट सॉल्व एवरीथिंग इन द लॉन्ग टर्म, एंड दैट कैन नॉट बी योर डिफरेंशिएटर, बिकॉज़ जो भी आपने तीनों चीजें बताई हैं तीनों कॉपी हो सकती हैं. एंड दूसरी बात यह है कि उससे डेटा में आउटपुट में क्या इम्पैक्ट आता है, तो वो नंबर्स या डेटा अभी तक आपने कुछ दिया नहीं. मैं दोनों पॉइंट्स को आंसर करती हूँ. एक एक चीज जो ट्रीटमेंट में हो रही है कोई नहीं ट्रैक कर रहा, दैट्स नंबर वन. नंबर टू इज हमारे पास 50 थेरेपिस्ट हैं, 2 लोग हमें छोड़ के कॉम्पिटिशन के पास गए. हमारे यहाँ अगर लेट अपॉइंटमेंट आते हैं, कल जैसे हमें किसी क्लाइंट ने बोला मेरे को तो सुबह 6:30 बजे ही चाहिए, थेरेपिस्ट रहती है भजनपुरा में, बोलती मैं यहीं सो जाती हूँ. हमारे ऑफिस में कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई रात को रुका होता है विदाउट एनी इंसेंटिव. हमारे ऑफिस में 1-1, 2-2 किलो पोहा पास्ता सब रखा रहता है. So the culture that we have. सौम्या, आपके SOPs क्या हैं वो कल्चर के लिए? कि accidentally बन गया, आपने एक deliberately कल्चर की playbook बनाई है, तो वो आपका सबसे बड़ा differentiator होगा. Bring it to life for us. ये कल्चर जब हम 5 लोग थे तब भी था, और आई थिंक वही ethos चले गए हैं. आई थिंक आई हैव गॉट अ गुड आइडिया कि अब इसको लिख भी लो कि कैसे करना है. तो अभी तक है नहीं, इसका एक playbook बना लो आप जी, राइट, सो दैट यू कैन स्केल. एंड सौम्या, थर्ड पॉइंट जो आपने अभी तक बताया नहीं, विच टू मी इज द बिगेस्ट थिंग in a service company, training. तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए when you talk about culture. Training हमारी ऐसी होती है क्योंकि हमारे लिए therapist is the face. Clinic में doctor भी मिलता है, एक सुंदर सी English बोलने वाली receptionist भी मिलती है, chamomile tea भी मिलती है. हमारे केस में वो सब कुछ नहीं होता. एक बच्ची आपके घर पे आके खड़ी हो जाती है. तो हमने उनको इस तरह से थ्योरी सिखाई है कि सामने वाले को बहुत कम्फर्टेबल फील होता है. जैसे उन लोग को सिखाया जाता है कि ये बोलना है कि मैडम आप हेयर रिडक्शन करा रहे हो, मैं अभी एक लेजर की लाइट छोड़ूंगी आपके हाथ के ऊपर, ये वैसे ही एक्ट करेगी जैसे आप गर्मी में काला कपड़ा पहनते हो तो गर्मी लगती. बहुत सिंपल है, बहुत कंफर्टेबल है. बट प्रेफर क्या करते हैं लोग, सेंटर में जाके कराना या घर पे? मतलब अगर हमारे 100 कस्टमर आ रहे हैं तो एक की रिक्वेस्ट होती है कि मैं आऊंगा, आप क्या कराऊंगा. होम सर्विस ये सब जो है आज की तारीख में कितना होगा वर्सेस इन क्लिनिक मार्केट? हाँ, परसेंटेज में. परसेंटेज में तो जो हमारा बिजनेस है डिवाइडेड बाय 2 बिलियन की मार्केट, क्योंकि और तो कोई कर नहीं रहा ना, तो अंडर 1% मान लेते हैं. हाँ, आज हाँ, की तरह हाँ. आगे चल के आपको क्या लगता है ये कितना परसेंटेज हो जाएगा? हम 20% ले लेंगे तो 20% हो जाएगा. सौम्य, आप है ना जो जवाब दे रही है ना, जिस तरह से थोड़ी सी एरोगेंस नजर आ रही है, राइट, आइदर यू आर पुटिंग पीपल डाउन या जवाब सवाल को ही आप नीचा कर रही है. आपका जो मार्केट है फिनोमिनली बड़ा मार्केट है, पर आज मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगी बिकॉज मुझे शुरू से एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपकी ह्यूमिलिटी मिसिंग है. ऐसी कैटेगरी ना, इसमें इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटीज होती है विमेन की, इसमें एक्स्ट्रा एम्पथी की जरूरत होती है. और आप जो जैसे अपने कॉम्पिटिशन को लुक डाउन करते हैं, 20 साल पहले ये स्टैंडर्डाइजेशन बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, उससे सीखने को भी बहुत मिलता है. पर अभी तो ऐसे कॉन्वर्सेशन में लग रहा है कि आप में बहुत ही कम ह्यूमिलिटी है, एंड दैट विल कम इन द वे ऑफ बिल्डिंग अ लार्ज बिजनेस. दैट्स माय फीडबैक, आई एम आउट. आप कुछ कहना चाहते थे बोल दीजिए. आई थिंक ऐसा नहीं है कि ह्यूमिलिटी नहीं है, आई एम सॉरी अगर ऐसा आ रहा है तो. सेकेंडली, हम कंपटीशन को डाउनग्रेड नहीं करना चाहते, बट मुझे ऐसा लगता है अगर कोई हंड्रेड्स ऑफ मिलियन रेज करके दुनिया के सबसे अच्छे टैलेंट को हायर करके हमसे भी कम नंबर कर रहा है एक शहर में, और हम ये 100 इंटर्न्स फ्रेशर टाइप के साथ चला रहे धंधा, तो आई थिंक हमने वी हैव बिल्ट समथिंग दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ. लेकिन इस बात को लेकर आप जज्बाती क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने मेरे
पर्सनालिटी पे एलिगेशन लगा दिया कि मैं ह्यूमन हूं, हंबल नहीं हूं। अच्छा, इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू मे हैव कम अक्रॉस लाइक दैट, बट दैट इज नॉट, यस एब्सोल्युटली। अभी आपकी सेल पे तो आए नहीं है और डिसीशन आ रहा है, तो कोई रीजन होगा ना। मैं अभी इससे बाहर हूँ, और मैं इसलिए बाहर हूँ क्योंकि एक तो मुझे लगा कि डिफरेंशिएशन कोर नहीं है। आप एक बहुत ही स्टेलर करियर से आए, मुझे कुछ चीज़ें ना, एक भाषा होती है, यू नो थिंग्स गेट क्रिएटेड इन लैंग्वेज एंड दे गेट डिस्ट्रॉयड इन लैंग्वेज। जब शुरू में भी विनीता ने पॉइंट किया था एक बात, आपने कहा करोल बाग की आंटी और ये सब, आपका इंटेंट गलत नहीं है, बट लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने स्टाफ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, रात को सुलाते भी हैं अपने ऑफिस में, पर कुछ चीजें आपने कही अपने स्टाफ के लिए, आपने फिर कहा लड़की, फिर आपने कहा 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए। थोड़ा सा ना, इंडिया में बहुत जरूरत है हमको डिग्निटी ऑफ लेबर लाने की। हमारे यहाँ 15,000 लोग हैं, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये लड़के को बोल दो कि उस स्टाफ को सेल कर दे, राजेश विल सर्व यू, ये नहीं है लड़का विल सर्व यू। आज मैं इससे बाहर हूँ, बिकॉज समवेयर आई थिंक ये बहुत लंबी जर्नी होगी, बट बेस्ट ऑफ लक। But आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? I think I've messed this up. No, why? This is nothing to be messed up. This is an evolution journey of an entrepreneur. जब मैं बोलती हूँ कि लड़की आके खड़ी हो गई, that's what the client think. हम अपने customers को क्यों नहीं respect करेंगे? हम client by client grow करते हैं। हमारा 30% धंधा हर महीने का repeat client से आता है। हम 4.8 rated हैं। आपको लगेगा कि हम पैसे फेंक रहे हैं, but you know we don't have unlimited money to give out these incentives। आप एक तो ना, आपको क्या कहा मैंने कहा आपको feedback दे रहा हूँ, मैं justification नहीं मांग रहा हूँ। I'll saying you'll do well, okay? You'll do very well, right? मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। मैंने आपको उसी हिसाब से feedback दिया, judge नहीं किया आपको। You'll do very well। अच्छा, let's talk about happier stuff। Sales के बारे में बताइए। अभी हम 60 लाख कर रहे हैं फॉर द ईयर, नो फॉर द मंथ। वाओ, दैट्स वेरी गुड। दिल्ली से बॉम्बे हमने 15 दिन पहले शुरू किया है, बॉम्बे में भी हमने 15 डेज में भी 3-4 लाख का धंधा। कितने साल से कर रहे हैं आप ये बिजनेस? ये अप्रैल 2022 में मैंने पार्ट टाइम शुरू किया था। तो पहले सेल्स क्यों नहीं बताई आपने? पूछी नहीं। सेल्स अच्छी है, लेकिन जो आपने 70 करोड़ की वैल्यूएशन मांग और आपने कुछ 7 करोड़ रुपया सेल्स है आपका साल का, तो ये कहाँ से आ रहा है 10x सेल्स? हमें लगता है कि हमने एक प्रूफ पॉइंट जनरेट कर दिया है कि हम किस तरह से सेल्स अचीव कर सकते हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। बेसिकली बस अब हमें बस डार्क सेंटर्स गाड़ते हैं जो ऐसे होते हैं। आपने कोई पहला राउंड किया है? ये हमारा पहला राउंड चल रहा है। कितनी कमिटमेंट्स आई है और क्या राउंड साइज है? 2 मिलियन का राउंड है। हाँ जी। वाओ। अब हम 500K के लिए चाह रहे हैं, हमें कोई स्ट्रॉन्ग एंजल्स हमारे साथ आ जाए। तो 1.5 मिलियन कमिट हो गया आपका? हाँ जी। एट 70 करोड़ वैल्यूएशन? हाँ जी। ओके, गॉट इट। अच्छा सौम्या, मैं भी आज आउट हूँ, पर उसके पहले आई'd लाइक टू गिव यू 2 क्विक फीडबैक। 70 करोड़ इज वेरी हाई वैल्यूएशन, उससे बड़ी फीडबैक इन द रीजन आई एम नॉट कमिंग। मैंने जो पहले बताया, ट्रेनिंग इज द बिगेस्ट थिंग जहां मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, बिकॉज ये एक ट्रस्ट का बिजनेस है। तो वहां मुझे ठीक से आपका जवाब नहीं आया, प्लीज वर्क ऑन दैट, ताकि इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस आए कि ये ट्रस्ट का बिजनेस है एंड आपके जो थेरेपिस्ट है दे विल डू जस्टिस। लवली मीटिंग यू एंड आई लव योर एनर्जी। थैंक यू। तो लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं आप में? मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। बता दो मार्जिन्स जब पहुंच गए वहां। ग्रॉस मार्जिन है 87% की। देयर इज अ रियल वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ दीज सर्विसेज। हर लड़की, हर कस्टमर जो सैलून जा रही है वो कम से कम 1,000 रुपए वैक्सिंग पे खर्च कर रही है, कम से कम 30 साल कराती है वैक्सिंग मिनिमम। उसमें बोल रहे हो कि आप 35,000 में ले लो, तो मार्केट और वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत बड़ा है। कोई स्टैंडर्डाइज नहीं कर रहा है जिस तरह से हम कर रहे हैं। अभी आप प्रॉफिटेबल है? नहीं, हम ऑपरेशनली हम CM2 लेवल पे 9% कर रहे हैं। कितना महीने का कितना खर्चा? 10 से 15 लाख। तो ये किसने डाला जब आपने कहा अभी पहला राउंड हो रहा है? हमें सिकोया स्पार्क से 100K का ग्रांट मिला था। अच्छा अच्छा। और 1.5 करोड़ मैंने खुद के डाले। आपका ओमनी चैनल का कोई प्लान है? क्योंकि मुझे लगता है कि एक हद तक ये सीमित हो जाए, राइट? ऐसा नहीं होगा कि 50% घर पे हो। अगर इसका मॉडल फ्रेंचाइजी द्वारा देखा जाए जहां मशीन्स भी आप सप्लाई करें, आई डोंट नो व्हाट योर सोर्सिंग इज फॉर द मशीन, आपने कहा कजिन करता है इंपोर्ट मशीन? अब हम डायरेक्ट करते हैं, हमने कजिन से कांटेक्ट लिए तो हमने मशीन बना। सो ये मशीन्स मिलती नहीं है किसी को, ये बस हमारे पास है।
तो अगर वो अपने पास डिफरेंशिएटर है बताते हैं तो उससे आप एक ओमनी चैनल बिजनेस खड़ा कर सकते हो ताकि ब्रांड भी साफ दिखेगा, आपके रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। हमने पहली ऑफलाइन क्लिनिक स्टार्ट कर दिया है, मतलब उसमें अब हमारा बोर्ड वोर्ड लग रहा है। तो आपके पास पैसे वैसे बचे अभी? 25 लाख बचे अकाउंट में। तो 2 महीने के बचे, तो अभी इसलिए फंड रेज कर रहे हैं। और नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो एक अपार्टमेंट है उसको बेचेंगे, उससे चलाएंगे। चलिए स्वामी, मैं एक बात कहता हूँ, वैल्यूएशन इज कम्प्लीटली ऑफ, बट देयर इज अ स्पार्क इन यू, रफ अराउंड द एजेस लेकिन एक स्पार्क है, सो आई एम विलिंग टू टेक अ बेट एंड माय ऑफर इज 70 लाख फॉर 3%। सौम्या, तो मैं भी आपको सेम ऑफर मैच करता हूँ, 70 लाख फॉर 3%। आई ऑल्सो फील कि आप कुछ कर सकते हो। क्या हम इसे एक्विटी और डेट का मिक्स कर सकते हैं जिसमें आप मेरा वैल्यूएशन एक्विटी के लिए मत चेंज करिए, आप मेरे को डेट दे दीजिए। आप इधर देख के क्यों नहीं बात कर रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो आप 35 लाख फॉर 0.5% कर दीजिए। इधर इधर इधर, हाँ। 35 लाख फॉर 0.5% और 35 लाख डेट, डेट आप क्या इंटरेस्ट देंगे? मार्केट में 14% में मिलता है NBFC से। तो 14% में डेट दिया, 50 लाख 20 लाख इक्विटी डन एट द सेम वैल्यूएशन जो आपने मांगा, मैं आपकी बात रखू। आई एम मैचिंग। अनुपम और अमन का सेम ऑफर है, 20 लाख फॉर 0.28% एंड 50 लाख डेट एट 14% इंटरेस्ट रेट, पेड ओवर 1 ईयर 3 इयर्स डन। सौम्या, मैं बताता हूँ आपको किसकी जरूरत है यहाँ पे। आपका जो मैंने आपको जब आपने वेबसाइट दिखाई ना, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आपको जो ट्रस्ट दिखाना था ना, वो बहुत क्रिटिकल है। दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। हु अंडरस्टूड योर बिजनेस बिफोर यू मेंशन्ड ओमनी चैनल? ओह गॉड, आप लोग दोनों क्यों नहीं आ जाते हैं? इक्विटी बहुत कम है, सो आई थिंक कि थोड़ा मतलब इंसेंटिव भी रहे, इक्विटी थोड़ी बढ़ा देते हैं सेम वैल्यूएशन पे। तो आपका क्या काउंटर है सौम्य? मैं चाहती हूँ कि आप 35-35 का डेट और इक्विटी का मिक्स कर लें। आपका काउंटर है 35 लाख 0.5% इक्विटी और 35 लाख डेट एट 14% ओवर 3 इयर्स। आई एम ओके विद दैट। अच्छा, आपको आना है ऐसे करना है? आप कर दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। All right, Soumya, you have a deal. Yay! Good job. Very good. Well done. Congratulations. Well done. Thanks a lot.